प्रशासन पूरा सपोर्ट अपने डिपार्टमेंट के ही लोगों का कर रहा है, तो आप बताओ कि हम महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं। जब ये वर्दी के आड़ में ही हैवान है तो हम कहाँ से सुरक्षित हो सकते हैं, हम किसके पास जाएंगे? अभी इस बंदे इस वर्दी वाले के खिलाफ हम यहाँ खड़े हुए हैं, फिर भी डिपार्टमेंट पूरा उसका ही सपोर्ट कर रहा है। कोई महिला आप पर रेप का आरोप लगा दे तो पुलिस आपके साथ क्या करेगी, ये आपको पता ही होगा। आप ही नहीं, आपके घर वालों को भी थाने बुलाकर पुलिस उन्हें प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, भले ही महिला का आरोप झूठा ही क्यों ना हो। यही नहीं, लड़की अगर आप पर लगातार 7 सेकंड तक घूरने का आरोप लगा दे तो आप ई टीजिंग के केस में अंदर चले जाएंगे। मगर क्या हो जब एक महिला पुलिस वाले पर रेप का आरोप लगा दे, क्या पुलिस वही करेगी जो पुलिस आम आदमी के साथ करती है? इसका जवाब तो हाँ में होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इस मामले में पुलिस अपने साथी को बचाने में लग जाती है। यही नहीं, महिला के ऊपर बयान बदलने का दबाव भी बनाया जाता है और धमकी भी दी जाती है। मामला गोंडा जिले का है, जहाँ एक महिला ने गोंडा में तैनात एक दरोगा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप के कारण पुलिस महकमा भी सख्ते में है। महिला ने गोंडा नगर कोतवाली में तैनात दरोगा वसी अहमद पर नाम बदलकर उससे दोस्ती करने और फिर शारीरिक शोषण करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाली युवती का कहना है कि दरोगा वसी अहमद ने अपना नाम और धर्म छिपाकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर करीब 2 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। दरोगा ने पीड़ित को अपना नाम रिंकू शुक्ला बताया था। पीड़िता का कहना है कि जब उसे सच का पता चला तो दरोगा वसी अहमद ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश भी की। रिंकू शुक्ला अपना नाम बताया था और एक्चुअल में नाम उनका एसआई वसी खान है। पहले तो उन्होंने मुझे यही चीट किया। मुझे जब पता चला, जब हम उनके रिलेशनशिप में हो चुके थे, दो दो बच्चों का अबॉर्ट करा चुके, मेरा ऑपरेट हो चुका है, मेरे पास सारे एविडेंस हैं, सीसी फुटेज है मेरे पास। मंडे की रात को 27 तारीख को ये मेरे घर आते हैं बात करने के लिए। मैं इनकी फैमिली में गई, बात किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये बोले कि अभी बहन की शादी नहीं हुई है, हम शादी अब नहीं करेंगे, और अपना जो है बोले कि हम आपके धर्म से नहीं शादी कर सकते हैं। तब मैंने बोला कि आप जो है हिंदू के साथ रिलेशन बना सकते हो, शादी क्यों नहीं कर सकते हो। उसके बाद से जो है ये फरार है, मोबाइल स्विच ऑफ करके घूम रहे हैं। मैं जा रही हूँ, आज 15 दिन का टाइम मैंने उन्हें सुधरने का दिया, लेकिन उसके बावजूद भी रात में महिला थाने पे ये बैठे रहते हैं और यहाँ से फोर्स भेजते हैं। आप बताओ किसको अथॉरिटी है कि विदाउट एप्लीकेशन विदाउट FIR के आप किसी के घर पे रात में 12:30 बजे जाओ और उठा के लेके आओ। कौन सा जुर्म मैंने किया था कि 3 गाड़ियाँ मेरे मोहल्ले में गई, फोर्स लेके गई, और मुझे 1 घंटे पूछताछ घर पे की गई, उसके बाद मिश्रा चौकी थाने में चौकी पे बैठाया गया, वहाँ से मुझे यहाँ लेके आया गया महिला थाने, मुझे 4:30 बजे छोड़ा गया और मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था आप कंप्रोमाइज कर लो। पीड़िता ने आरोपी दरोगा वसी अहमद के खिलाफ तहरीर देकर केस दर्ज करने की मांग की है। वहीं विभागीय मामला होने के चलते पुलिस पूरी घटना को दबाने में जुटी है। लव जिहाद का ये सनसनीखेज मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है। पीड़िता के मुताबिक नगर कोतवाली में तैनात दरोगा से उसकी 2 साल पहले मुलाकात हुई थी। इस दौरान दरोगा ने अपना धर्म और नाम छिपा लिया और युवती से दोस्ती की। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और दरोगा ने शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बना लिए। पीड़िता का कहना है कि 2 सालों तक दरोगा वसी अहमद ने उसे शादी करने का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस अवधि में पीड़िता कई बार गर्भवती भी हुई, लेकिन आरोपी ने शादी से पहले बच्चा न होने का हवाला देकर उसका गर्भपात करवा दिया। रिंकू शुक्ला अपना नाम बताया था और एक्चुअल में नाम उनका एसआई वसी खान है। पहले तो उन्होंने मुझे यही चीट किया। मुझे जब पता चला, जब हम उनके रिलेशनशिप में हो चुके थे, दो दो बच्चों का अबॉर्ट करा चुके, मेरा ऑपरेट हो चुका है, मेरे पास सारे एविडेंस हैं। शिकायत मैंने DIG साहब के यहाँ की थी, कोतवाल साहब आपके कोतवाली में किया, कोई रिस्पांस मुझे अभी तक नहीं मिला। अब मैडम आपकी महिला थाने की बोल रहे हैं कि मैंने कप्तान के यहाँ तहरीर दी, जब कप्तान साहब की सीट खाली है तो मैं उन्हें तहरीर कहाँ से दे दूँगी? और आज मैं तहरीर देने आई हूँ। ये तैनात थे कटरा में, कटरा से इनका शहर कोतवाली हुआ। 2019 में ये पांडे बाजार चौकी इंचार्ज थे, तब से हमारा इनका रिलेशन है, और कटरा में भी मेरा आना जाना था, इनके घर तक भी आना जाना था। अभी ये परास पट्टी में लाठी सिंह गांव में इनका एक क्वारंटी टीम पड़ी हुई है, उसके इंचार्ज हैं ये। युवती का आरोप है कि 27 जून की रात करीब 10 बजे आरोपी उसके घर आया और आइसक्रीम में जहर मिलाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। आइसक्रीम खाने से हालत बिगड़ती देख परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, तब जाकर उसकी जान बच सकी। 27 तारीख को मेरे घर आते हैं कि मैं बैठ के बात करता हूँ,
और वो मुझे आइसक्रीम में क्या खिला के जाते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी कंडीशन ये हो गई कि मैं सेंस में ही नहीं थी। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये पागल हो गई है। 112 भी वहाँ पे आई, वहाँ पे बयान भी हुए और ये वहाँ पे मौजूद थे। मुझे हॉस्पिटल नहीं ले गए, पड़ोस के लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए, जो कि इनको मेरे घर में देखा गया, लोगों ने देखा। जब इन्होंने विभागीय द्वारा मेरे ऊपर प्रेशर डलवाया कि मैनेज कर लो, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो। पीड़िता का कहना है कि जब ये शिकायत लेकर नगर कोतवाली पहुंची तो उसे दरोगा के धर्म और नाम की असलियत का पता चला। हकीकत जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस मामले में पीड़िता ने आरोपी दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है, लेकिन गोंडा पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय मामले को दबाने में जुटी है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस उसे लगातार परेशान कर रही है। बेवक्त पुलिस उसके घर आती है और सुलह समझौता करने का दबाव बनाती है। उनके प्राप्त प्रार्थना पत्र को प्रभारी निरीक्षक महिला थाना को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए दिया गया है। और जो प्रार्थना पत्र में जो भी तथ्य उचित है उसमें जो हमारा दंड प्रक्रिया संहिता की व्यवस्था है उसके तहत कार्रवाई करेंगे और उसमें जो भी कार्रवाई होगी दिखाएंगे। महिला आरोप है कि पुलिस उसको परेशान कर रही है, सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारे समक्ष पहली बार प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। सर कार्यालय में जो है पहली बार वो महिला को देखा गया और पहली बार उसने प्रार्थना पत्र दिया।